हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मित्रा सपोर्ट के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा ई मुद्रा लोन उपलब्ध करवाया जाता है उसके बारे में। पूरी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी आज हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। तो ये आपको कैसे मिलेगा, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है और कितना ब्याज लगेगा और क्या इसके लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम आवेदन करने की प्रक्रिया जान लेते हैं। आपके पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर और आपका आधार नंबर और एक मोबाइल आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो चालू होना चाहिए बैंक से जुड़ा हुआ। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए आप कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल में, डेस्कटॉप में, जिसमें भी आप उपलब्ध मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके लिए सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इस प्रकार से ब्राउज़र ओपन के बाद में यहाँ सर्चिंग बॉक्स में आपको सर्चिंग बॉक्स में टाइप करना है आपको SBI स्पेस ई मुद्रा। ये टाइप करके करने के बाद में आपको इसको करना है एंटर, सर्चिंग करना है आपको। सर्चिंग करने के बाद में ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन आपको इसमें से बहुत जो ये क्या है, ये योजना पहले भी चलाई गई थी, इसके अंदर 50,000 रुपये का लोन इंस्टेंट मिल रहा था आपको बिना किसी गारंटी के। और अगर इससे ऊपर का आप लोन लेते हैं तो आपको बैंक विजिट करना पड़ता था, लेकिन ये बीच में बंद कर दिया गया था, फिर से वापस चालू कर दिया गया है। तो आप भी इसको आज ही ट्राई करें ज़रूर। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइकन को दबा दें। तो इसके लिए सबसे ऊपर ही आपको एक वेबसाइट मिलेगी emudra.sbi.co.in। इस तरह की बहुत सारी फर्जी वेबसाइटें भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको जो SBI मुद्रा के बाद में जो ग्रीन का राइट का निशान दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब होता है वेरीफाइड, ये कोई फर्जी वेबसाइट नहीं है। तो इस तरह की वेबसाइट होने पर आप इस पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर SBI जो ई मुद्रा का मेन वेबसाइट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है तो वेट कीजिए। तो यहाँ पर वेबसाइट इस प्रकार से ओपन होकर आती है। यहाँ पर SBI ई मुद्रा लोन SBI में आपका स्वागत है, ये आरंभ करें, इस प्रकार से आपको बैनर दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे जो प्रोसीड फॉर ई मुद्रा दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से बैनर आ जाएगा, बैनर को आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि ये लघु जो उद्यमी व्यापार के लोग हैं उनको व्यापार को बढ़ावा देने या प्रोत्साहित करने के मतलब उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये लोन उपलब्ध करवाया जाता है। SBI बैंक में उसका खाता होना चाहिए जो 6 महीने से पुराना होना चाहिए, अधिकतम ऋण राशि जो 1 लाख रुपये तक है। इसके बाद में यहाँ पर जो बैंक की मापदंडों के अनुसार ₹50,000 की ऋण राशि तुरंत उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन इसमें कोई बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। इस प्रकार से इस बैनर को आप पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ने के बाद में यहाँ पर बचत खाता चालू जो भी कुछ भी हो यहाँ पर पढ़ लेना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इसको क्रमवार प्रक्रिया है जो भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड के लिए PDF JPEG में कुछ भी, उसके बाद क्लिक कीजिए आप ओके बटन पर। 2 MB के अंदर जो भी फाइलें हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं, यहाँ पर फॉर्म इस प्रकार से खोलो जाता है ओके करने पर। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। मैं मेरा रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ फटाफट से। उसके बाद में यहाँ पर एंटर कैप्चा कोड जो आपको लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है, जो लाइन के अंदर है वो उसको यहाँ पर टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद में आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप OTP आपके कस्टमर के मोबाइल नंबर पे आपके नंबर पे आ जाएगा, उसको यहाँ पर टाइप करने के बाद में आपको फिर से वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। हमारे पास में OTP आ चुका है, OTP को हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद में हमने वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लिया है। वापस से ये थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा साइड के अंदर आर यू रेडी टू शेयर आधार डिटेल्स, आपको आधार डिटेल शेयर करनी है और यस के बटन पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप कर देना है प्रार्थी का, जिसका भी आप जिसके नाम से आप चेक करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर टाइप करने के बाद में जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद में आधार पे OTP जाएगा, OTP फिर से आपको यहाँ पर टाइप करना है। मैं OTP का थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और टाइप करके वेरीफाई बटन पे जो साइड में दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है आपको वापस से।
आधार का ओटीपी आ चुका है, टाइप कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई पे फिर से क्लिक करना है आपको। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद राइट का निशान आ जाएगा यहाँ पर दोनों तरफ। उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको टाइप कर लेना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, जो SBI का ही होना चाहिए, अदर बैंक नहीं चलेगा यहाँ पर। उसके बाद में कितनी लोन की आपको रिक्वायर्ड है, आप यहाँ 50,000 से कम ही भरें, 50,000 से ज़्यादा भरोगे तो आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होगे, नहीं तो नहीं होंगे। मेरा तो हो ही नहीं सकता शायद। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है आपको, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर है वो सही नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नॉट एलिजिबल। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप यहाँ पर एक फॉर्म आगे खुलेगा, वो हम बता देते हैं। उसमें आपको आपके बिजनेस डिटेल्स वगैरह भरनी है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आपके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।